मैंने आपको पिछले वीडियो में बता दिया कि यदि आप फ्लिपकार्ट से कोई प्रोडक्ट ऑर्डर करते हैं तो आपको यदि वो प्रोडक्ट पसंद ना आए तो उसे रिटर्न कैसे करना है, साथ ही साथ वो रिफंड पैसे आपको मिलते हैं फिर नहीं मिलते हैं, फिर मिलते हैं तो कितने दिनों मिलते हैं, ये सब डिटेल्स में वीडियो बना हुआ है, आई बटन में शो रहा होगा। आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि यदि आपको रिफंड पैसे लेने हैं, यदि आपने प्रोडक्ट को रिटर्न कर दिया है या फिर रिटर्न करने वाले हैं तो आपको रिफंड पैसे कितने माध्यम से मिलते हैं, तो इसके बारे में आपको डिटेल्स में इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो आप यदि इंटरेस्टेड है तो आप इस वीडियो को अंत तक देखिए। मेरा नाम है पिंटू कुमार शर्मा और आप सभी देख रहे हैं टेगोर स्मार्ट यूट्यूब चैनल। इस प्रकार वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए वीडियो शुरू। दोस्तों यहां पर यदि आपने प्रोडक्ट रिटर्न करते हैं तो यहां पर आपको दो मेथड्स मिलते हैं। पहला कि यहां पर गिफ्ट कार्ड जो कि फ्लिपकार्ट की तरफ से ही गिफ्ट कार्ड मिलते हैं और इस गिफ्ट कार्ड में यदि आप अपने पैसे को मंगा लेते हैं तो आपको यहां पर किसी न किसी प्रोडक्ट को बाय द वे बाद में जाकर के ऑर्डर करके मंगाना होगा और इस पैसे को आपको जो यूज करना होगा तो किसी प्रोडक्ट को मंगा करके आप इसे यूज करेंगे, ना कि आपके बैंक अकाउंट में नहीं आ पाएगा। और यदि आपको यहां पर सेकंड जो पेमेंट मिलता है ऐड अ बैंक अकाउंट लिख करके मिल रहा होगा तो इसे ऐड अ बैंक अकाउंट पर यदि क्लिक करते हैं तो यहां पर आपसे अकाउंट नंबर मांगा जाता है, साथ ही साथ अकाउंट होल्डर नेम मांगे जाते हैं यानी कि बैंक खाता धारक का नाम मांगा जाता है, साथ ही साथ जैसे कि आपके ब्रांच का एक आईएफएससी कोड होता है तो उस आईएफएससी कोड को डाल करके अपना एक मोबाइल नंबर डाल करके सबमिट कर देंगे तो ये पैसे जो आपको रिफंड मिलने वाले होंगे फ्लिपकार्ट की तरफ से वो आपके डायरेक्टली आपके बैंक अकाउंट में आ जाते हैं, जो कि यही प्रोसेस होता है। और जो आपके गिफ्ट कार्ड में जो पैसे आते हैं वो आपके बैंक अकाउंट में डायरेक्टली डिपॉजिट नहीं होते हैं, यह पैसे जो है आपके बैंक अकाउंट में नहीं आते हैं, इसलिए गिफ्ट कार्ड में कभी भी आप अपने पैसे को न मंगाएं, यही मेरी राय है। आशा करता हूं यह वीडियो आपको पसंद आया होगा और आपको जो भी मैंने डिटेल्स आपको इस वीडियो में बताया सब चीजें समझ में आ गया होगा, जो भी आपका कंफ्यूजन था वो क्लियर हो गया होगा। तो आपको यदि कोई भी इसके अलावा कोई भी सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, इसकी जवाब आपको 100% मिलेगा। मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में।